पुराने गीतों की जयमाला को सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, पुराने समय में ईश्वरीय आराधना को फिल्मों का हिस्सा बनाया जाता था। गीतकारों ने ऐसे भजन रचे जिन्हें लोगों ने निजी जीवन शैली में शामिल कर लिया। लोगों के मन में पाप का डर भी था और विश्वास भी था उस मुरली वाले की उपस्थिति पर। लेकिन आज ना तो भक्ति गीत रचे जाते हैं और ना ही लोग पाप करने से डरते हैं। आज की प्रस्तुति में हम एक ऐसा भजन गीत लेकर आए हैं जो संसार की सच्चाई को भी करता है। यह गाना 1960 में आई फिल्म एक फूल चार कांटे से उद्धृत है, जिसे लता मंगेशकर जी ने भाव भरी आवाजें दी हैं। स्वर साम्राज्ञी लता जी आकाश में चमकते उस सूर्य के समान हैं, जिसकी आभा ने दुनिया के करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों को आलोकित किया है। साथ ही भजन के साथ बेहतर तरंगमय संगीत संगीतकार शंकर जयकिशन ने दिया है और इसे भक्ति भाव भरे बोलों से रचा है गीतकार हसरत जयपुरी जी ने। गीत में दिखाए गए भक्ति भाव भरे मंदिर में भजन सुन रहे भक्तजन और मीराबाई की तरह हाथ में एक तारा लिए हुए वहीदा रहमान के मुख से निकलते बोल अति सुंदर हैं। गीत के बोल कहीं ना कहीं भव सागर की सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं। झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठे बंधन और यहाँ तक कि अपनी श्वास का आना जाना भी एक झूठ ही है। केवल परमात्मा ही सत्य है और कलयुग में तो भव सागर को पार करने का एक ही सुलभ तरीका बताया गया है, भक्ति भाव से अपने इष्ट को सुमिरन करना। श्रोताओं, वहीदा रहमान जी के भजन में एक दर्द भी झलकता है। कुछ समय के लिए नायक सुनील दत्त भी दिखाई पड़ते हैं। उस दौर का यह भजन कितना अर्थपूर्ण और सादगी भरा है, जिसे सुनकर आज भी मन भक्ति भाव में रम जाता है। श्रोताओं, यदि आपको यह भक्ति गीत और हमारी प्रस्तुति दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।